आईपीएल 2022 में आज 47वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा है। इस सीजन ये दोनों टीमें आपस में एक बार फिर से भिड़ती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि आज टॉस केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ये पिछले 10 मैचों में ऐसा लगातार हो रहा है जब संजू सैमसन टॉस हार रही हैं। संजू सैमसन ने पिछले 10 मैचों में मात्र एक बार ही टॉस अपने नाम किया है, लेकिन आज इसी मुकाबले में संजू सैमसन ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जिसकी तलाश में वह पिछले कई सालों से आईपीएल खेल रहे हैं। आपको बता दें कि आज संजू सैमसन ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए अपने करियर के 200 चौके पूरे कर लिए हैं। आज जब राजस्थान रॉयल्स के लिए संजू सैमसन मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे तो उसके साथ ही उन्होंने ये आंकड़ा अपने नाम कर लिया है। अब इसी के साथ संजू सैमसन उन दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में शुमार हो गए हैं जिन्होंने आईपीएल में एक ही फ्रेंचाइज के लिए 200 चौके अपने नाम किए हों। अगर मैच की बात करें तो आज राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बल्लेबाजी करते हुए उतनी खास नहीं रही जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। उन्होंने अपना पहला विकेट देवदत्त पेडिकल के रूप में जल्दी गंवा दिया। देवदत्त पेडिकल ने आज 5 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 2 ही रन लगाए। एक बार फिर से पावर प्ले में उमेश यादव ने अपनी टीम को विकेट निकाल के दी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।